दोस्तों आज हम बताएंगे कि ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर पे विदाउट बैटरी का कितना पैनल आप अगर लगाते हैं तो आपका लोड प्रॉपर चलेगा। इस वीडियो में आपको हम डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर है, अब देखो इस समय बैटरी से कनेक्ट है और इस समय ये चार्जिंग भी कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो बैटरी है दोस्तों ये मतलब कि फुल होने के कगार पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कितने वाट तक का पैनल और कितना पैनल लगाएं कि बिना बैटरी का चल जाए। देखो हाइब्रिड इन्वर्टर में फायदा दो होते हैं। पहला फायदा कि अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो अगर आप इसे पैनल लगा के अपने घर का लोड चला सकते हैं। अब दोस्तों इसमें कितना पैनल हमें लगाना चाहिए, देखो इस पे अगर आप 5000 वाट तक के पैनल अगर आप डाल देते हैं विदाउट बैटरी का, आप इसको दबा के अपने घर का पूरा लोड चलाओ, इंडक्शन, एसी, फ्रिज, कूलर, मोटर, हर चीज चलाओ बिना बैटरी का। देखो हाइब्रिड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, अगर आपके पास 5000 वाट के पैनल नहीं हैं तो आप इस पे 2000 या 1500 या 2500 तक के पैनल लगा के आप उसके बिहाफ पे अपना लाइट फैन नॉर्मल चला सकते हैं। मतलब कि अगर आप ज़्यादा पैनल लगाएंगे तो ज़्यादा लोड लेंगे, कम पैनल लगाएंगे तो कम लोड लेंगे। ये सबसे बड़ा इसकी बेनिफिट है जो शायद मुझे और इन्वर्टर में ये बेनिफिट नज़र नहीं आया। दोस्तों यहाँ पे देखो अलग अलग ब्रांड मार्केट में आपको मिलेंगे, बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे, बट मैं इस इन्वर्टर का तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि ये इन्वर्टर कम टाइम में बैटरी को चार्ज करता है और बैटरी का पावर कम लॉस करता है। मतलब कि देखो ट्रांसफार्मर लेने से तो बेनिफिट तो है ही। तो दोस्तों अगर आपको ये हाइब्रिड इन्वर्टर लेना है तो आप इसको ले सकते हैं। ये ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड साथ में हाइब्रिड है, प्योर हाइब्रिड है। आप बिना किसी बैटरी का विदाउट बैटरी का सोलर पैनल डायरेक्ट चला सकते हैं। मैं एक वीडियो में बहुत जल्दी इसका वायर निकाल के आपको डायरेक्ट पैनल से चला के दिखाने वाला हूँ। अभी वजह क्या है, यहाँ पे मेरे पास अभी देखो धूप का प्रॉब्लम है, अपना जो बैटरी चार्ज हो रहा है लोड पे काम आ जा रहा है। और दोस्तों अभी थोड़ा धूप होने दो, मैं इसका वायर निकाल के आपको लाइव दिखाऊंगा और आप यकीन नहीं करोगे कैसे बिना ये किसी बैटरी का, बिना बैटरी का ये सोलर से पूरा लोड चला दे रहा है। दोस्तों मैं इसको एक हफ्ता हो गया यूज करते हुए, मेरा रिव्यू ये रहा, ग्रेट इन्वर्टर, कोई कमी नहीं है। बस वही पुरानी बातें मेरी फिर से मैं बोलना चाहूँगा वीडियो में, जब तक चलेगा छप्पर फाड़ के चलेगा, बिना कुछ कहे चलेगा। बाकी दोस्तों खराब होगा तो आपको पता ही है क्या होगा। तो दोस्तों ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया है, यूनिक है, कम पैसे में अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों बैटरी मेरा काफ़ी सेव कर रहा है। चार बैटरी देखो मैंने इसलिए बेच दिया, इसको लगाने से मैंने चार बैटरी हटा दिया क्योंकि इसने चार बैटरी का फ़ायदा इसने कराया, मुझे चार बैटरी बेचना पड़ा सिर्फ इस इन्वर्टर के चलते। तो फ्रेंड ये चीज जो बता रहा हूँ आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई कमी आपको नहीं मिलेगा, बढ़िया चीज़ है। और काफ़ी लोग हमसे रिले के लिए बात बोल रहे थे, तो इसको रिले चाहिए वो मुझसे संपर्क करें हमारे ईमेल आईडी पर, मैं इसका सारा रिले रखा हूँ बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का। थोड़ा रिले कॉस्टली है, डीसी रिले है, महंगा पड़ेगा, मेरे पास सब रिले हैं आपको मिलेगा, कॉस्टली पड़ेगा बट आपको क्वालिटी वाला रिले मैं दूंगा। दोस्तों ये है इसकी पूरी स्टोरी जो आपको मैंने बताया। तो आप भी इस ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर को ले सकते हैं, बट मेरी बातें फिर से याद रखना, अगर आपको ज़रूरत मात्र 2 किलोवाट का है तो 24 वोल्ट 3000 वाट तक का लेना, अगर आपको इसके ऊपर का है तो 48 में जाना। कभी भी आप 24 वोल्ट 5000 6000 वाट इन्वर्टर मत लेना, गलती से भी मेरी राय मानना, नहीं तो आपका बैटरी बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।